हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी कोटक बैंक में डेबिट कार्ड में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो जो रिफ़ंड है वो नहीं आ रहा, आपकी पेमेंट है वो फेल्ड हो चुकी है और रिफ़ंड वापस आपका नहीं आ रहा है। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, उसको अप्लाई करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उनको फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जब भी आपकी जो पेमेंट है वो रिफ़ंड ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनके जो कस्टमर केयर है, क्योंकि वही आपकी जो पेमेंट है उनको प्रोसेस कर पाएंगे। अगर आपकी जो रिफ़ंड प्रोसेस नहीं हो रहा है तो कैसे उनसे कॉन्टैक्ट करें, आज की वीडियो में बताऊंगा। तो स्टेप्स को फॉलो करें और आप रिफ़ंड अपना पा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जो स्टेप्स बताऊँगा उनको फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना ब्राउज़र है उसको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पे अजियो सपोर्ट ईमेल सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस हमें मिल चुका है, customercare@ajio.com। क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमें उनको मेल सेंड करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में सेंड करें मेल, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर सब्जेक्ट दिखेगा, यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आपके अजियो ऐप में, वो आपको यहाँ पर सिंपली लिख देनी है। प्रॉब्लम को लिखने के बाद हमें नीचे कंपोज ईमेल वाले सेक्शन पे आ जाना है। तो कंपोज ईमेल वाले सेक्शन पे यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका नाम है वो लिख देना है। आपका नाम क्या है अजियो ऐप में, जिस अकाउंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका मोबाइल नंबर, ईमेल, उसके साथ जो लिंक है, ये सब आपको वहाँ पर लिख देना है वन बाय वन। तो ये सब लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे अजियो अकाउंट में उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, पूरा डिटेल में बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से आ रही है, ये सब यहाँ पे लिख देना है। ये सब लिखने के बाद हमें उनको रिक्वेस्ट करनी है उनकी टीम को कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और आपको ये भी बताना है कि आप क्या कर रहे थे, ये प्रॉब्लम तब आ रही है, सब कुछ यहाँ पर A to Z आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद एक स्क्रीन शॉट अटैच कर देना है आपको जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, क्योंकि उनकी टीम को प्रूफ चाहिए होता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे वो आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए। तो स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद इस मेल को सेंड कर दीजिएगा। मेल को सेंड करने के बाद 48 घंटों के अंदर उनकी टीम का रिप्लाई आएगा और वो आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। वैसे जल्दी सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम, तो टेंशन ना लें और जो स्टेप्स बताएंगे उनको फॉलो जरूर करें।